फ्लोरिडा के समलैंगिक क्लब में 50 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर उमर मतीन ने पुलिस को खुद 911 पर फोन करके बताया था कि वो आईएसआईएस का समर्थक है, लेकिन हमले में आईएसआईएस के हाथ की अमेरिका ने भी पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया पर हमलावर उमर मतीन की तस्वीर सामने आई है, लेकिन अभी इसकी भी पुष्टि बाकी है। FBI ने हमले की जाँच तेज कर दी है। अंधाधुन फायरिंग में 53 लोग घायल हुए हैं और लैंडो में इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑरलैंडो के नाइटक्लब में हुए कत्लेआम को नफरत से भरा आतंकी हमला बताया है। ओबामा ने कहा कि ये क्लब पर नहीं बल्कि अमेरिका पर हमला है, जिसके खिलाफ देश एकजुट है। What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days we'll uncover why and how this happened. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने LGBT क्लब में हमले की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला डराने वाली घटना है। हिलेरी ने कहा कि वो आहत परिवारों के साथ है। पीएम मोदी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। यूपी के केराना पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग का बड़ा असर हुआ है। केराना से हिंदुओं के विस्थापन की पड़ताल के लिए प्रशासन ने 4 जांच टीमें बना दी हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जिन 346 हिंदू परिवारों के विस्थापन की लिस्ट जारी की है, ये चारों जांच टीमें उसकी एक एक एंट्री की पड़ताल करेंगी। दूसरी तरफ NHRC ने भी केराना पर यूपी सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने DIG को 2 हफ्ते में सारे तथ्य बताने को कहा है। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक के समापन सत्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूपी में मिशन 2017 का आगाज एक बड़ी रैली से करेंगे। रैली शाम 5 बजे इलाहाबाद में पवित्र संगम के पास परेड ग्राउंड पर होगी। पीएम की रैली की सुरक्षा में 20 जिलों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। 18 एस्पिरेंट के अफसर रैली की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बीजेपी असम फॉर्मूले के उलट यूपी में सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के लिए सर्वे का सहारा लेगी। ये संकेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिले। पार्टी 4 तरह के सर्वे कराएगी, इसी के आधार पर सीएम उम्मीदवार चुना जाएगा। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी के भाषण से संकेत मिले कि यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार में यूपी से कुछ और मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की SIT 1984 के सिख विरोधी दंगों के 75 मामलों की फिर से जांच करेगी। इन दंगों में 3,325 लोग मारे गए थे, जिनमें से दिल्ली में ही 2,733 लोगों की जान गई थी। नानावटी आयोग ने 241 में से सिर्फ 4 मामलों को दोबारा खोलने की सिफारिश की थी, जबकि बीजेपी सभी मामलों की फिर से जांच की मांग करती रही है। अगले साल पंजाब चुनाव को देखते हुए ये फैसला अहम है। विवादित फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रहलाद निलानी ने कल कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म को ए सर्टिफिकेट और 13 कट के साथ पास कर दिया गया है। निलानी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि बोर्ड ने फिल्म के नाम से पंजाब शब्द हटाने को कहा था। उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। पाकिस्तान में बुजुर्ग हिंदू की पिटाई का मामला सोशल मीडिया पर तुल पकड़ रहा है। गोकुल दास को इफ्तार से 40 मिनट पहले चावल खा लेने पर एक कांस्टेबल ने बुरी तरह पीटा था। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़े पैमाने पर इसकी निंदा की जा रही है। आरोपी कांस्टेबल अली हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर साइना नेहवाल ने रियो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने साइना नेहवाल को इस कामयाबी पर बधाई दी। साइना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में कल चीन की सुन यू को हराया। साइना के करियर का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज हरारे में खेला जाएगा। कप्तान धोनी ने कहा कि उनका इरादा क्लीन स्वीप की हैट्रिक का है। लोकेश राहुल की डेब्यू सेंचुरी और बुमराह की शानदार बॉलिंग से टीम इंडिया पहला वनडे जीत चुकी है। टीम इंडिया ने 2013 और 2015 में भी जिम्बाब्वे पर क्लीन स्वीप किया था।